ಅಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ದೇವ್ರೇನೋ ಆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಭಯ ಪಡ್ಸೋ ರಾಕ್ಷಸ नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, त्रिशूलम बाप लेवल ट्रेलर के साथ एंट्री ली है दोस्तों रियल स्टार उपेंद्र जी ने। कल हम कब्जा में अटके थे लेकिन दोस्तों एंट्री तो त्रिशूलम से ली है भयानक तरीके से उपेंद्र सर, जो की दोस्तों कुछ दिनों से तहलका मचा के रखे है। कल जो उपेंद्र सर के बर्थडे थे और बर्थडे के मौके पर तीन नए मूवी के झलक देखने को मिले। एक तो है कब्जा के फास्ट लुक और दोस्तों दूसरा है होम मिनिस्टर और तीसरा है ये त्रिशूलम। त्रिशूलम एक ऐसी मूवी है जिस मूवी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और कल इस मूवी के ट्रेलर ने सरप्राइज कर दी लोगों को। एक ऐसी मूवी त्रिशूलम जिसमें भरपूर एक्शन दिखाया गया है। मानो जिस हिसाब से इस मूवी के एक्शन स्टंट को दिखाया है, आए दिन कनाडा इंडस्ट्री से किसी का मुकाबला नहीं हो पाएगा। एक से बढ़कर एक, मतलब कमाल है यार। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया है बी रविचंद्रन जी ने। बी रविचंद्रन जी जो कि दोस्तों आज तक बहुत सारे मूवी को डायरेक्ट किया है, उनमें से आप लोगों ने देखा होगा कि मानेका, हेबोली, बहुत सारे एक्शन मूवी भी बनाए हैं। वही दोस्तों इस मूवी को यानी दोस्तों त्रिशूलम मूवी को प्रोड्यूस किया है आर श्रीनिवास और बी एस किरण गौदा जी ने। म्यूजिक डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही चर्चा में रहने वाले अर्जुन सनैया जी ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है। और इस फिल्म के सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रवि वर्मा को, क्योंकि दोस्तों रवि वर्मा जो है इस फिल्म के एक्शन स्टंट को डायरेक्ट किया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मतलब कमाल के यार रवि वर्मा जी। अगर दोस्तों स्टार कास्ट पे बात दोहरा जाए तो दोस्तों त्रिशूलम जिस मूवी के स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा आपको कनाडा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री के रियल स्टार उपेंद्र जी को, साथ ही साथ दोस्तों शानवी श्रीवास्तव जो कि दोस्तों जिनको अपने लास्ट मूवी शायद अवनी श्रीमान नारायण में देखे होंगे, वो दोस्तों और भी एक कलाकार है आदित्य अरैया जी। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है आदित्य अरैया जी। तो दोस्तों इस मूवी में यानी दोस्तों त्रिशूलम मूवी में उपेंद्र सर को दो दो हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये मूवी रोमांस के लिए नहीं बने, एक्शन और स्टोरी के लिए बने है। बताना चाहूंगा दोस्तों मल्टी लैंग्वेज के हिसाब से ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है ये मूवी जो है पूरे 5 भाषाओं के साथ रिलीज किया जाना है, कनाडा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। यानी दोस्तों फिल्म ओरिजिनली तो कनाडा भाषाओं के साथ ही शूट किया गया है, साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी को तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी पे एक ही साथ डब करके थिएटरों में रिलीज की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के यानी दोस्तों त्रिशूलम मूवी के बजट भी अनाउंसमेंट कर दिया है। रिपोर्टिंग के जानकारी के अनुसार इस मूवी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के रेडी हुए है पूरे 40 करोड़ रुपए से। वही दोस्तों फिल्म के लिए प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट रखा गया है पूरे 2 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों त्रिशूलम मूवी के टोटल जो बजट है 42 करोड़ रुपए। जहाँ पे दोस्तों मूवी का बजट है 42 करोड़ रुपए, तो दोस्तों जाहिर सी बात है इस मूवी को क्लीन हिट होने के लिए भी 50 करोड़ की ऊपर बिजनेस करने होंगे, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से कर लेगी। फिल्म के कुछ एक्शन स्टंट इतना खतरनाक है कि दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ऊपर से दोस्तों उपेंद्र जी के फैंस का कहना है जब ये मूवी रिलीज होगी लॉकडाउन के बाद तो दोस्तों तहलका मचा सकता है कलेक्शन के मामले में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है त्रिशूलम मूवी लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस पे करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप रियल स्टार उपेंद्र जी के फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में, टेक केयर, बाय।